हेलो फ्रेंड्स, आज अगेन हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे दो या चार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, और आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं कि उनके नोटिसेज आ गए हैं। सो आपको प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द प्रिपरेशन कर लीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं वो हम अपने चैनल पर कवर करते जा रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ पीएच वैल्यू ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जैसे कि फ्रेंड्स, कुछ सब्सटेंसेस हाईली एसिडिक हैं, बेसिक हैं, उनका क्या पीएच वैल्यू है वो हमें डिस्कस करना है, और इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ विशाली शर्मा, योर एजुकेटर एट पैशन पाठशाला। सो आइए जानते हैं व्हाट इज़ पीएच ऑफ ए सब्सटेंस। सो इन केमिस्ट्री पीएच इज़ अ लॉगरिथमिक स्केल यूज्ड टू स्पेसिफाई द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन जो कि एक्वस नेचर में है उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को फाइंड करने के लिए जो लॉगरिथमिक स्केल हम यूज़ करते हैं दैट वैल्यू इज़ नोन एज पीएच वैल्यू, एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द नेगेटिव ऑफ द बेस 10 लॉगरिथमिक ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एंड द कंसेप्ट ऑफ पीएच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डैनिश केमिस्ट सोरेन पीटर लॉरेंट्स सोरेनसेन एट द कार्लबर्ग्स लेबॉरेटरी इन 1909 एंड रिवाइज टू द मॉडर्न पीएच इन 1924 टू एकोमोडेट डेफिनेशंस एंड मेजरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। सो सी फ्रेंड्स, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पीएच वैल्यू का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया, वो साइंटिस्ट कहाँ के थे, और कौन से सेशन में ये इंट्रोड्यूस किया गया, कौन सी लेबॉरेटरी में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये 2 मार्क्स के जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं ये भी आप याद रख लीजिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ नॉलेज पॉइंट से, दैट अल्ट्रा एसिडिक वैल्यू तब होती है व्हेन इट इज़ लेस देन 3.5, एक्सट्रीमली एसिडिक 3.5 to 4.4, वेरी स्ट्रांगली एसिडिक 4.5 to 5, स्ट्रांगली एसिडिक 5.1 to 5.5, मॉडरेटली एसिडिक 5.6 to 6.0, स्लाइटली एसिडिक 6.1 to 6.5, न्यूट्रल 6.6 to 7.3, स्लाइटली एल्कलाइन 7.4 to 7.8, मॉडरेटली एल्कलाइन 7.9 to 8.4, स्ट्रांगली एल्कलाइन 8.5 to 9, एंड वेरी स्ट्रांगली एल्कलाइन ग्रेटर देन 9। ओके, सो ये फ्रेंड्स नॉलेज का पॉइंट है। इसमें आप हाईली एसिडिक याद रख लीजिए, न्यूट्रल याद रख लीजिए, ओके, और एल्कलाइन याद रख लीजिए। ओके, लेट अस मूव फर्दर। अब जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी आपको सब्सटेंस दिया जाएगा उसमें 4 ऑप्शंस होंगी कि इनका क्या पीएच वैल्यू पर्टिकुलर रहेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रिक एसिड पीएच वैल्यू लाइज बिटवीन 1.5 to 3.5, लाइसोसोम्स 4.5, ह्यूमन स्किन 4.7, ग्रैन्यूल्स ऑफ क्रोमैफिन सेल्स 5.5, यूरिन 6, ब्लड दैट इज़ नेचुरल पीएच 7.34 to 7.45, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड 7.5, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स 7.5, पैनक्रिया सिक्रेशन इज 8.1। लेट अस मूव फर्दर। प्योर वाटर इट इज 7, ह्यूमन ब्लड इट इज 7.35 to 7.45, सी वाटर 7.5 to 8.4, अमोनिया 10.6 to 11.6, मिल्क 6.5 to 6.7, नॉर्मल रेन इट इज़ 5.6 to 6, देन एसिड रेन 2 to 5.6, ह्यूमन यूरिन अगेन इट इज़ 6, ब्लैक कॉफ़ी 5, बियर 4.5, वाइन 2.8 to 3.8, विनेगर 2.9, लेमन जूस 2.4, देन स्टमक एसिड 1.7, लेमन जूस 2.2, विनेगर 2.9, सोडा 3.0, वाइन 3.5, ब्लैक कॉफ़ी 5.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, एमोनिया सॉल्यूशन 12.5। सो सी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर, इज़ इट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर।
सो ऑप्शंस गिवन हैं, आपने इसको करेक्ट आंसर बताना है. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी कवर किया, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बिटवीन 7.2 to 8.5, इट इज़ न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक. ओके, सो सी फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कई बार उनकी रेंज पूछी जाती है और कई बार पर्टिकुलर वैल्यू. सो आपको दोनों का ही आइडिया होना चाहिए, दोनों ही आपको लर्न होने चाहिए. So thank you so much friends, this is about today's lecture. I hope you understand the lecture very well. If you have any doubts, you can comment below.